नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को देश का सबसे बड़ा हमला होने से हर कोई इस वक्त सदमे में है और गुस्से में भी है। सरकार से लेकर विपक्ष तक और आम जनता, बॉलीवुड से लेकर आम जनता, हर कोई इस घटना पर ना तो सिर्फ शोक व्यक्त कर रहा बल्कि उसके साथ साथ आक्रोश भी जाहिर कर रहा। मांग बहुत लंबी उठ रही। सीआरपीएफ ने इस हमले में 40 वीर सपूतों के शहीद होने की फिलहाल पुष्टि भी कर दी है। इसमें से अगर यूपी की बात करें तो एक दर्जन से ज्यादा जवान है जो कि यूपी से है, जो कि शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और भारतीय सेना के आला अफसरों के साथ मीटिंग भी की। पीएम मोदी ने भी सुरक्षा बलों को सारे फैसले लेने की छूट देने का जिक्र किया। आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की कड़ी सजा देने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश की सरकार और शहीदों के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। इतना ही नहीं, अमेरिका और रशिया ने भी भारत के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले को दुखद बताया और इसकी निंदा की, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। इस आतंकी संगठन का सरगना मसूद अजहर है जो कि पाकिस्तान में बैठा है। सवाल बहुत सारे सरकार से। तो पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह, सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, घायल जवानों से भी उनकी मुलाकात हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा है, हम उनकी शहादत बेकार जाने नहीं देंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया, यानी जेस्चर दिखाने की तो कोशिश है। लेकिन उस बीच में सबसे अच्छी बात यह कि जहां छोटी मोटी राजनीति की बातें अभी हो रही, लेकिन सभी पार्टियों के प्रमुखों ने सीधे तौर पर सेना और सरकार का साथ देने की जो बात कही, वो कम से कम भारत की असल छवि को दर्शाता है। बाकी मसले इस वक्त भूल गए हैं सभी राजनीतिक दल, उनके नेता। इस वक्त सिर्फ एक मांग है कि हम साथ खड़े हैं, कार्रवाई जो करनी है आप करिए। और साथ ही साथ उनकी शहादत के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। और मैं यह मानता हूं कि उनकी शहादत को केवल हम ही लोगों ने सलूट नहीं किया है, बल्कि सारा भारत ऐसे बहादुर जवानों की शहादत को सलूट किया है। पूरे भारत ने आज अधिकारियों के साथ भी एक हमारी बैठक हुई है, जिसमें आज राज्यपाल महोदय थे, होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ और कुछ सीनियर ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है तो चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े। तो पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी, घायल जवानों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीद जवानों के परिवार वालों के साथ मुस्तैदी से खड़ा है, हम उनकी शहादत को बेकार जाने नहीं देंगे। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर केंद्रीय गृहमंत्री कंधा देते हुए पार्थिव शरीर को उन तमाम जवानों को जो कि शहादत दे चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब यहां पर मांग ये उठ रही कि सरकार करेगी क्या, क्योंकि अक्सर इस मुद्दे पर भी हमने राजनीति होते देखा है, मौजूदा दौर में नहीं, इसके पहले भी। मौजूदा दौर में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी इस मुद्दे को कभी उठाते थे और बताते थे कि दिल्ली की कमजोरी है, ना कि किसी राज्य की या फिर किसी और मसले की। लेकिन आज जब उन पर भी सवाल है तो पूरा विपक्ष उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है। और इस वक्त में सबसे अहम बात थी कि जो प्रमुख पार्टियां हैं, खासतौर से राष्ट्रीय दल, वहां पर अगर हम देखें कांग्रेस, तो वहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पर जो बयान दिया उससे एक अच्छा संकेत निकलता है कि हां, ऐसी घटनाओं पर कम से कम देश एक हो जाता है और यही हमारी संस्कृति और यही भारत की पहचान है।
बहरहाल तुम्हारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में अजीत मेंदुला साहब, पॉलिटिकल एडिटर हमारे, बहुत स्वागत अजीत आपका। हमारे साथ इस वक्त रितु सिंह रावत हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है रितु आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं भूतपूर्व सैनिक संघ के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मेजर साहब आपका। एसबी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र कुमार मौर्य प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं, बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। पंकज तिवारी हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है पंकज आपका। और कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ राज्यवाद से, बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, मीडिया चैनल में बैठकर और यहां पर बैठकर हम तमाम बातें कर लेते हैं और सुबह से हो रही हैं, लगातार घटना के बाद हो रही हैं और कई दिनों तक होती रहेंगी, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है जिसकी मांग हर बार छोटी या बड़ी घटना होने पर उठती है, लेकिन उस पर काम कितना हो पाता है। मौजूदा दौर में जो भारत सरकार ने स्टेप लिए हैं, क्या वो सही दिशा में जाता हुआ स्टेप है? क्योंकि अभी फिलहाल सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, कल को ये और बड़ा मुद्दा बनेगा राजनीतिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी सरकार ने जो ये कदम लिया है कि पाकिस्तान को वो स्टेटस जो मोस्ट फेवरेबल नेशन का था वो हटा दिया, लेकिन ये बहुत कम है। सर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वक्त आ गया है हर आदमी कह रहा है, क्या पहले वक्त नहीं आया था? क्या पहले शहीद नहीं हुए थे? कह रहे बदला लेंगे, क्या पहले बदला नहीं लिया गया था? सवाल ये है कि एक गाड़ी जिसमें 250 केजी एक्सप्लोसिव और उसके अंदर डेटोनेटर, एक्सप्लोडर डायनमो, उसके अंदर कॉन्टैक्ट और एक गाड़ी, ये सब एक 12वीं फेल लड़का कैसे मुहैया कराता? इसमें लोगों ने उसका साथ दिया और जिन्होंने साथ दिया उसकी जो पैरोकारी है वो हमारी राजनीति के नेताओं ने की। दरअसल में कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होता, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद, जैसे फारूक अब्दुल्ला, जैसे मणिशंकर अय्यर, जैसे राहुल गांधी, ये इस किस्म के लोग जो देश नहीं, 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 लेकिन टीपी त्यागी साहब देखिए, मैं दो बातों पर आऊंगा। यहाँ पर राहुल गांधी या फिर मोदी साहब का जिक्र करने से पहले हम देखें कि ओवरऑल मसला है क्या। आप कुछ चंद नेताओं का नाम लेकर कहें कि ये सिर्फ उसके लिए वही जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा इस मंच से हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भावना की मैं पूरी कद्र करता हूं, इस वजह से क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं और पूरे देश के आहत हैं। बहुत जल्दी से मेजर आशीष चतुर्वेदी एक टिप्पणी आप कर दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जो त्यागी साहब कह रहे हैं कि कदम उठा है लेकिन न तो वाजिब है या फिर बहुत बड़ा कदम नहीं दिखता, और कम से कम इस घटना के बाद ऐसे कदम की अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन सच तो यह भी है ना कि एक झटके में ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम युद्ध ही कर दें और मीडिया चैनल यहां पर बैठकर तय कर दें कि आप जाइए युद्ध कर लीजिए। एक स्ट्रेटजी होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अच्छी बात है कि सत्ताधारी दल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जी बिल्कुल, इसमें जो है अभी अगर हम इनको देखें तो इसको काउंटर करने के लिए दो तरीके के मेजर्स हो सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स हो सकते हैं जिसमें कि हम जो इंडस वाटर जो हमारी ट्रीटी है, अगर हम उसको भंग करके सतलज का पानी रोक दें तो हम बिना लड़ाई किए पाकिस्तान को एक बहुत ही मतलब कर सकते हैं, कॉर्नर कर सकते हैं, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि उसका 80% पानी जो है इन नदियों का वो पाकिस्तान में जाता है, जिससे उनकी सिंचाई और सारा काम जो है वहां पे होता है उससे, तो हम वो रोक सकते हैं पहली चीज। चलिए यानी स्ट्रेटजी के साथ अब कदम बढ़ाना पड़ेगा, और ना सिर्फ भारत सरकार ने कदम बढ़ाया है बल्कि उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज ने भी बैन कर दिया है। ये भी अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कह सकते हैं कि उपलब्धि है, लेकिन ऐसी उपलब्धियों से काम नहीं बनेगा और देश हमारा भावनाओं का है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेंदुला साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक दलों के पास हम जाएंगे तो आज, क्योंकि भारत की हकीकत यह है कि ऐसी घटनाओं के बाद वो एक तो होता है, लेकिन यही मुद्दे कल को राजनीति में सबसे ज्यादा हावी होंगे, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, वो चाहे राष्ट्रीय दल दो हो या बाकी अन्य दल, सब अपने अपने हिसाब से इसको भुनाते रहे हैं, और ये वो कह सकते हैं कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी होगा क्या उस पर भी वो राजनीति कर ले। लेकिन आज भारत के सामने चुनौती कैसी है, सरकार और विपक्ष के सामने? देखिए आज अच्छी बात रही, विपक्ष ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया। देखिए हम आपस में लड़े झगड़े को अलग विषय है, लेकिन जब देश की एकता अखंडता और सेना की बात आती है तो इसमें आज विपक्ष ने बहुत अच्छा रोल निभाया, उसकी तारीफ की जानी चाहिए।
कल देखिए चुनाव है, एक महीने बाद चुनाव है, मुद्दे बनेंगे उठेंगे, लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि आज सरकार की तरफ से जो आरंभिक कदम उठाए जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक कदम थे, उसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं है। देखिए कई मामले जब इस तरह के संवेदनशील मामले होते हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा मतलब पूरी दुनिया स्तब्ध है और इसकी निंदा भी कर रही है, ऐसे मामलों में कई मामले सार्वजनिक नहीं किए जाते। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया झांसी में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई सेना तय कर ले जगह समय वगैरह, खुली छूट दे दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है। अब क्या होगा, कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सरकार और जो एजेंसियों काम कर रही होंगी। बाकी पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन से सत्ता में आए हैं लगातार करते आए हैं और काफी हद तक सफलता मिली है। आज नहीं तो आज जो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बनी है, पूरी तरीके से हालत बहुत चिंताजनक है, खराब है, उसके बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं है। तो अब जो अभी ये नया स्टेप आज उठा है, देश दुनिया ने इसके बारे में पाकिस्तान को लेकर जो कहा है या करने जा रहे हैं, उससे भी पाकिस्तान में बहुत असर पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमारे दूसरे मित्रवर कह रहे थे कि भाई उनके साथ सतलज का पानी रोक दिया जाना चाहिए, ये बड़े वैसे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी जनता देश ये मांग रही है कि ठोको जाके उन्हें पकड़ के मारो। भावनाएं इस वक्त सबसे ज्यादा प्रबल, भावनाएं प्रभावित हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जाके हिसाब बदला लो, बदला मतलब खून का बदला खून वाली बात एक सीमा पे वो हो रही है, लेकिन हाँ बहुत गुस्सा है और वो जनता चाहती है कि भाई सरकार को ऐसा कदम उठाए, लगे कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक से एक जैसे एक उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में पेश किया था। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे भी उन्होंने कहा कि हमने भी किए, लेकिन नीतिगत कारणों से हम लोगों ने सार्वजनिक नहीं किए, कोई रहा होगा, लेकिन अब यही उम्मीद जनता कर रही है। यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर बहुत सारे हमने चुनाव भी देखे, उसमें विजय और उसके साथ साथ हमने उसमें हार भी देखी, उसके कई तरह के प्रचार भी देखे, लेकिन आज आम जनता कह रही है कि नहीं दोबारा होना चाहिए, एक भावना है और पूरे देश की भावना है। इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो हमने खुला छूट दे भी दिया है। ऋतु, आपने हमेशा कड़ी निंदा की, आज आपने शहीदों को कंधा भी दिया है। निंदा और कंधा, मैं भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आपके रहते ही दाग भी लगा है, आज आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए मैं कहना चाहूंगी कि आज सबसे पहले तो मैं शोक व्यक्त करना चाहूंगी उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और उनसे यही कहना चाहूंगी ये दुख की घड़ी वाकई बहुत मतलब दुखद घड़ी है, लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देश का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। लेकिन मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ऐसी घटना होंगी। इसलिए हमें उन लोगों को, आतंकवादी और पाकिस्तान को, हमें सबक जरूर सिखाना चाहिए। आम जनता के साथ साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता की भावना भी यही है कि सरकार से वो अपील कर रहे हैं। हाँ, अपील कर रही हूँ कि मतलब कम से कम लोगों की, अब जो इंसान चला जाता है वो वापस नहीं आता है, वो शहीद जरूर हो गए हैं, लेकिन आप सोचिए उनके घर वालों का क्या होगा, उनके बारे में सोचे, तो कम से कम हमें उन लोगों को सबक सिखाना होगा। जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे तो शायद फिर ऐसी नहीं, सरकार में रहते हुए आप कहेंगे कि हम अपील कर रहे हैं और सबक सिखाना होगा, आप कई मुद्दों को उठाकर, ऐसे ही कई मुद्दों उठाकर सरकार में आप आए थे और आज आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी भी भावना की कद्र करता हूं कि हाँ आप भी अपील कर रही हैं अपनी ही सरकार से कि हाँ सबक सिखाना ही होगा, सरकार भी कह रही है खुली छूट हमने दी है। बहुत जल्दी से कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तिवारी साहब क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि आज सभी दल, आपके भी नेता, खुलकर सरकार का, सेना का, हमारी आम जनता का साथ दे रहे, भावनाओं का ख्याल रख रहे। सबसे तो पहले उन शहीदों को नमन जिन्होंने कल देश की सुरक्षा की खातिर अपनी जान दी। बाकी इस सरकार के साथ कांग्रेस भारत का एक एक नौजवान किसान कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ा है। हम लोग सरकार से केवल इतनी मांग करते हैं कि जो कुछ भी करना है करिए, इंतहा हो गई है निंदा की, इंतहा हो गई है सब्र की, अब सब्र टूट चुका है, जो कुछ भी करना है करिए, सारी राजनीति छोड़ दीजिए, कोई भी विपक्षी दल नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप कुछ करिए, कंधे से कंधा मिला के जो भी जरूरत है इस देश की, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे अगर कोई राजनीतिक दल भी इससे अपने आप को अलग करता हो तो करे, लेकिन सरकार कुछ करे। अब निंदा यानी आप साथ तो दे रहे हैं, लेकिन आप भी अपील कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे, क्योंकि अब इंतहा हो गई है कश्मीर की समस्या, 4 साल में भी इंतहा की हद तक आ गई है। ऐसा नहीं है, बहुत सालों से कश्मीर की समस्या ऐसे ही इंतहा वाली है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि आप लोग समर्थन दे रहे हैं। बहुत जल्दी से वीरेंद्र कुमार मौर्य, आप क्या कहेंगे, कमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद में फिर से टीपी त्यागी साहब के पास जाऊंगा।
देखिए आज दुख की घड़ी है और ऐसे में हमारी पार्टी जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है उनके साथ खड़ी है और हमारी पार्टी आज पूरे देश के साथ खड़ी है। हम सब लोग मिल करके आज उन नौजवान शहीदों जो शहीद हुए हैं हमारे जवान उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर उनके तरीके जैसे उनको सरकार की ओर से वो सब सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे हम किसी तरह से उनको उनके घावों पर मरहम रख पाए। चलिए यानी मरहम लगाने के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता की बात नहीं और संवेदना की बात नहीं बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने की भी आप मांग कर रहे हैं। टीपी त्यागी साहब मैं आपके पास आऊं उसके पहले एसबी सिंह सुरेश बहादुर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुरेश जी और मैं अब राजनीतिज्ञों के संवेदना पर सवाल लूंगा। ये संवेदना है बहुत अच्छी बात है स्वागत की बात है हमारे तमाम सैनिकों ने इस निर्मम कृत्य में अपनी शहादत दी है। उसके साथ साथ मैं पत्रकारों के लिए भी सवाल पूछूंगा। मैं सुबह से देख रहा हूं बहुत सारे चैनल पर इस तरह का माहौल बना हुआ है कि मानो वहीं से सेना भेज देंगे और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। यह हर वक्त घटनाओं के बाद ऐसा क्यों होता है? हम पत्रकारों की भी जिम्मेदारी और प्लस इन राजनीतिज्ञों की असल भावना क्या है? क्योंकि वो चाहे कर्नल साहब हो चाहे मेजर साहब हो या हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेंदुला साहब उन्होंने बताया संकेत में कि समस्या की मूल जड़ है क्या? उस समस्या की मूल जड़ राजनीति ही है जो आज संवेदना जाहिर कर रही है। देखिए अतुल जी पहले तो मैं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। रही बात चर्चा की या मीडिया की या हमारे साथियों की, आज एक बहुत अच्छी बात है कि सारा देश सारे राजनीतिक दल एकजुट होकर एक साथ खड़े हैं और इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को यह देश आश्वस्त किया है कि जो भी कदम उठाएं हम उनका समर्थन करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी झांसी में कह दिया कि मैं जो भी संभव हो सकता है वो किया जाएगा और हमने अपने आर्मीज को पूरी छूट दे दी है। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ बाध्यताएं होती हैं कुछ सेंसिटिविटीज होती है कि ये सारी चीजें पब्लिक में नहीं डिस्कस की जाती जैसा कि हम पत्रकार लोग आज डिस्कस कर ले रहे हैं। हम तुरंत बैठे बैठे ही आज ही तुरंत सोच रहे सेना भेज दे रहे हैं सेना तुरंत चली जाए और पाकिस्तान पर कब्जा कर दे ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमारी सरकार की भी कुछ बाध्यताएं होती हैं कुछ मजबूरियां होती हैं कुछ राजनीतिक प्रेशर्स होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं और प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से संकेत दे दिया है कि इस मामले में सरकार एक कोई कदम ऐसा कदम उठाएगी जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़े। रही बात यह कि हमारे यहाँ हम पत्रकार ग्रुप जो है कुछ अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा ही बह जाते हैं ऐसा बोलने लगते हैं जैसे हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कहीं कहीं ऐसा लगता है सरकार को ही सुझाव देने लगते हैं कभी बिल्कुल तुरंत ही नहीं। लेकिन सुरेश जी हम भी इंसान हैं हमारी भी भावनाएं हैं उसका भी हम कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे ही और सरकार को सुझाव तो हम दे ही सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम उसको बाध्यकारी सुझाव कहेंगे। सुझाव देना तो हमारा भी अधिकार है चौथा स्तंभ हम भी है लेकिन कुछ हद तक जो चीजें होनी चाहिए मैंने उसी का जिक्र किया और उसका आपने भी यही बात कही कि हाँ वो चीजें बैठे बैठे नहीं होती सामरिक नीति होती है कूटनीति होती है और देश में राजनीति अलग है लेकिन अपने जो स्ट्रेटजी है उसको हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपनी जनता के सामने। लेकिन त्यागी साहब मेरा सवाल अब आपसे है आप आक्रोशित हैं हम सब आक्रोशित हैं सभी इस शहादत पर बहुत ही ज्यादा क्रंदन भी कर रहे हैं लेकिन सवाल इस बात का कि हर बार स्टेप के बाद राजनीतिज्ञों को हम बहुत कुछ कहते हैं राजनीतिज्ञ कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और फिर एक नई घटना का हम इंतजार करने के लिए आराम से सो जाते हैं। आज के दौर में जो स्टेप है आप कहते हैं कि ठीक है लेकिन कम है इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव का पाकिस्तान पर असर पड़ जाएगा क्योंकि इसके पहले के तमाम घटनाएं अगर हम देखें तो हर बार वही रहा वो बदलने को तैयार नहीं नीयत और नीति उसकी वही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर पड़ना होता तो अब तक पड़ गया होता अमेरिका एक बार नहीं कई बार उसको चेतावनी दे चुका है। दरअसल में कारगिल का एक युद्ध हुआ जिसमें करीब 500 सिपाहियों ने शहादत दी और युद्ध जीत लिया। कारगिल के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ और 15,000 से ज्यादा सिपाही शहादत दे चुके हैं। क्या सिपाही के शौर्य में कमी आई या खामी थी नीतियों में? जो खामी है वो नीतियों में है और वो खामी क्या है? पाकिस्तान के लिए एक आतंकी सस्ता है
बहुत सस्ता है सिपाही के मुकाबले, लिहाजा वहाँ आतंकी पैदा होते रहेंगे और वो हिंदुस्तान में भेजते रहेंगे और हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे। लिहाजा जड़ क्या हुई? जड़ आतंकी नहीं हुआ, जड़ हुई हिंदुस्तान में बैठे हुए वो जयचंद जो उन्हें सपोर्ट देते हैं और वो राजनीतिक लोग जो उन सपोर्ट देने वालों का बचाव करते हैं। लिहाजा आवश्यकता इस बात की है कि कोई आदमी अगर देश की सुरक्षा और सेना के बारे में गलत काम करता है या खबर देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यानी वो राजनीतिक दल हो, अलगाववादी संगठन हो, उनके नेता हो, पत्थर मारने वाले, पत्थर फेंकने वालों की सरपरस्ती करने वाले हो या फिर भेदी हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान से बड़ी चुनौती तो हमारे यहाँ यही बन गई है। बहुत जल्दी से मेजर साहब एक टिप्पणी आपसे, उसके बाद महेंद्र साहब आपके पास आऊंगा। सवाल इस बात का है, आपने कहा कि पानी बंद कर देंगे, पानी बंद करने से खून कैसे बहना रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक और मसला है, वो अपने आप में गंभीर है कि जैश ए मोहम्मद या कोई संगठन ऐसा करा रहा, लेकिन किसके जरिए करा रहा? वहीं का स्थानीय युवक अगर इस तरीके से आत्मघाती हमला कर रहा तो वहां पानी बंद करने से यहां की नीति कैसे बदल जाएगी, नियत कैसे बदल जाएगी, और ये कौन सी नीति होगी जिससे आपको लगता है कि सफलता मिल सकती है कश्मीर समस्या पर? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ स्ट्रैटेजिक मेजर्स होते हैं और कुछ मिलिट्री मेजर्स होते हैं। जो स्ट्रैटेजिक मेजर्स हैं उसमें आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, उसे फाइनेंशियली वीकन करना है, उसके लिए दिक्कतें बढ़ानी है। ये अब आप सीधे ये सोच लेना कि हम जो है वो जंग डिक्लेयर कर दें और उस जंग में जैसा अभी कहा भी कि 99 की जो थी, जो कि फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं थी, उसमें 500 आदमी मर गए थे। अगर एक फुल फ्लेज्ड वॉर होगी तो वो जो आंकड़ा है वो 5000 पार कर जाएगा। तो ये कह देना कि सीधे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, ये उतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। बिल्कुल। तो हमें मिलिट्री मेजर्स को एक्सप्लॉइट करना है। अब उसमें हम कैसे कर सकते हैं? जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, हमें सबसे पहले उनको डिस्ट्रॉय करना है। अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जरूरी नहीं है कि यहां से कमांडोज की टीम वहां भेजी जाए। उसमें हम एयरफोर्स को यूज कर सकते हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी है जो इसी यहां मतलब क्रॉस द बॉर्डर 30-40 किलोमीटर की रेंज रखेगी और उन वेपन्स को वहां डिप्लॉय करके हम उन टेररिस्ट कैंप्स को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा चलिए यानी छोटे छोटे स्टेप लिए जा सकते थे, लेकिन उसमें मेरा अगर खुद का अगर बात करें यहां पर, तो ये स्टेप बहुत पहले से लिए जाने चाहिए थे। वो चाहे नीतिगत हो, वो कूटनीति वाले हो, या फिर पानी बंद करने की दबाव बनाने की, जितना होना चाहिए था वो हुआ नहीं और उस बीच में राजनीति जरूर होती रही। महेंद्र साहब मैं आपके पास आऊं, उसके पहले बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द आएंगे। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। महेंद्र साहब, सवाल इस बात का है कि एक सैनिक की बात करें, वो चाहे रिटायर्ड हो या उसका परिवार हो या खुद जो सैनिक, वो भी अपनी भावनाएं अपने हिसाब से रखता है। देश की अलग भावनाएं हैं, वो अपने आप में चुनौती भी है सरकार के लिए। लेकिन जितनी आसानी से आज के दौर में साथ देने की बात विपक्ष ने कह दी और सरकार ने कह दिया, हमने खुली छूट सेना को दे दी, तो क्या इसके पहले हाथ बांध के रखे गए थे? और आज जो स्टेप उठाकर एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ मामले का हल निकल जाएगा, ये इस तरीके का पेच हो चुका है आज के दौर में कश्मीर का मसला। और जिस तरीके की ये घटना है आत्मघाती, वो और चुनौती बढ़ाएगी कि आप सरहद को तो सुरक्षित कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा और कैसे हो रहा और कितना बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्योर भी हो रहा, वो चुनौती कैसे खत्म होगी संवेदना जाहिर करने से? देखिए, ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि एक आर्मी जब ये सीआरपीएफ का जो कानवाई जा रहा था, अब आज वो राज्यपाल ने भी ये सवाल उठाया कि भाई ये चूक कैसे हुई, वो गाड़ी कहाँ से आई, कैसे आई। लेकिन अब ये इस पर बहस करना एक बेमानी होगी, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, बहस इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर आके लोकल उसको बंदे को, जो भी वो लड़का था, उसको उकसाया। ये कई सारी चीजें, देखिए हमारे देश में क्या है कि लोकतंत्र का कई बार लोग कहते हैं, जैसे अब आप जेएनयू में देख लीजिए आजादी की बात है, अरे किस चीज की आजादी की बात आप कर रहे हैं? कई लोग सवाल उठाते हैं, भाई सरकार जो है क्या कहते हैं, उनको रोक नहीं पा रही है पत्थरबाजों को, आखिर उन पत्थरबाजों को कौन सह दे रहा है? हमारे वही के जो नुमाइंदे हैं, अब हुर्रियत है, अब हुर्रियत को लेकर कुछ कड़े कदम पिछली बार सरकार ने उठाए थे, लेकिन अब वो फिर सक्रिय है, उन पर ज्यादा रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर सवाल उठेगा भाई ये मानवाधिकार आयोग वाले ये जो लोग आएंगे, भाई इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कुछ करने नहीं दिया जा रहा है।
कई सारे हमारे देश में ये समस्याएं हैं, इसे इनकार नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ये कह रहे हैं कि आज देखिए मोदी सरकार ने आने के बाद पाकिस्तान को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घेराबंदी की है उसमें काफी हद तक वे सफल रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि विपक्ष तो उनकी विदेश नीति को फेल बताता है, विपक्ष का काम ये तो परंपरा है हमारे देश में, जो विपक्ष में होता है वो यही कहता है। लेकिन अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग हुआ है, उसकी आज जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है बहुत कुछ इसमें बड़ा योगदान रहा है। जितने खाड़ी के देश ये अपने जितने ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी का दौरा करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करना, कई सारी चीज़ें। आज अमेरिका देखो, अमेरिका खुलकर पाकिस्तान को साथ नहीं दे रहा है, भारत के तरफ उसका एक रुख बदला है। तो ये घटनाक्रम तो चल रहा है, लेकिन ये अचानक से ये जो मामला सामने आया है ये अब सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी एक जरूरत है इस चीज़ की कि वो कैंप कहाँ पे हैं, उन कैंपों को कौन सह दे रहा है, अब उन कैंपों को ये सरकार कैसे उनको ध्वस्त करती है। जैसे हमारे अभी सेना के एक अफसर बता रहे थे कि भाई ये देखिए कैंप का तो सबको पता है कि ये फला फला जगह इतने सारे कैंप चल रहे हैं आतंकवादियों को, उनको पाकिस्तान की सेना बढ़ा रही है, उनको प्रोत्साहन देती है, और जो हमारे यहाँ देखिए बेरोजगारी गरीबी जो है उसका भी ये लोग फायदा उठा लेते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। जो हमारे कश्मीर के लोग बाग हैं उनके जो लड़के हैं या भाई बंदा वहाँ पर हैं या यहाँ पर भी हैं, यहाँ से भी कई लोगों के संबंध आपने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली में भी पकड़े जाते हैं कुछ लड़के, नौजवान पकड़े जाते हैं बेरोजगारी, उनको लालच देते हैं ये लोग। तो अब ये सब लोग तोड़ फोड़ की जो राजनीति चल रही है, यानी मौजूदा दौर में सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा सरकार जो थी वो आने के बाद जिस तरीके से कुछ चुनिंदा जो संगठन है उनके नेता है जिनकी भूमिका इसमें रही है उस पर सख्त दिखी, लेकिन फिर से वो सक्रिय हो चुके हैं, शायद वो शक्ति वैसी नहीं रही। और अब अगर ऐसी और इतनी बड़ी घटना होगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। ऋतु, मेरा सवाल आपसे है, आज आप मांग कर रही हैं, आप निंदा कर रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात कि आपने सरहद को सुरक्षित करने की बहुत बातें की, आपने किया भी, इसमें कोई शक नहीं, आपने सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सारी प्रयास किए, आपने कूटनीतिक प्रयास किए जिसका जिक्र कर रहे थे आप परमेंदुला साहब की, वो अलग अलग देशों से मुलाकात करके एक दबाव बनाया, लेकिन आपके रहते जब ऐसी घटना होती है तो फिर बहुत सारे वो सवाल उठते हैं जिसका जिक्र हमने 14 के पहले सुना था चुनावी मंचों से। अब आज आप सर्वदलीय बैठक बुला रही हैं, आप कई बार ऐसे कदम उठाते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता, आज आपको क्यों लगता है कि हां सर्वदलीय बैठक से कम देश के उन तमाम पार्टियों को भी आपको साथ रखना होगा, उनकी आप अनदेखी नहीं कर सकते वरना इसका हल नहीं निकलेगा। देखिए ये पूरे देश की बात है, मतलब इसमें हम जब पूरे देश को लेके हर नागरिक जब एक ऐसी घटना होती है तो पूरा देश एक हो जाता है, और सरकार इसीलिए ये चाहती है कि कम से कम जो ये संगठन दोबारा से उग्र हो गए हैं इन पे कहीं ना कहीं मतलब चूक तो हुई है, तभी इतनी बड़ी जो घटना हुई है देश में इतने 40 लोग शहीद मर चुके हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कोई 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 तो ऐसी वजह है, तो उन चीजों पे ऋतु यही तो सवाल है ना कि वजह क्या है और क्यों ऐसा हुआ। जो मेंदुला साहब ने कहा कि आपने कुछ सख्त कदम उठाए थे वहां फिर निष्क्रिय हो गए, आज वहां पर खुद जो राजपाल महोदय वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इनपुट क्यों, इनपुट में फेल्योर क्यों थी, एक 12वीं फेल को सारी जानकारी है कि आपके 55 जवान एक बस में है या 2500 जवान तमाम बसों से गुजर रहे हैं उनको वहां से ले जाया जा रहा है, मूवमेंट की जानकारी मिल जाती है। सरकार ने कहा है कि इनको बिल्कुल देश को पाकिस्तान को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो इन लोगों को शह दे रही है, लेकिन मैं ये बात जरूर मानती हूँ कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उसकी वजह से ये जो घटना हुई है इतनी बड़ी घटना। चलिए ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि चूक के बारे में कहकर आप जरूर यहाँ पर सवाल खड़े करेंगी कि हाँ आगे अब क्या होगा, और उसकी जानकारी ना तो आपको होगी ना मुझे और किसी मेहमान को नहीं है, उसका पहले हमने स्पष्टीकरण ले लिया है कि हाँ ये सब चीजें एक दायरे में होती है, उसका खुलासा यानी होगा। यह तस्वीर में बता दूं अपने दर्शकों को भी आप लोगों को भी कि पालम एयरपोर्ट की है जहां पर 25 जवानों के इस वक्त पार्थिव शरीर पहुंचा है, वहां पर तमाम नेतागण मौजूद है, राहुल गांधी भी पालम एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। आप देखिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हमारे जवान है वो कंधा देकर पार्थिव शरीर को लेकर आ रहे हैं। ये 25 जवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है, और वहां पर इस वक्त ना सिर्फ सेना से जुड़े लोग हैं बल्कि राजनीतिक लोग भी हैं, आम जनता तो शायद नहीं होगी, बाहर होगी, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए जहां पर सेना से जुड़े लोग इस वक्त कंधा देते हुए और पालम एयरपोर्ट पर 25 जवानों का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त पहुंच चुका है। बहुत जल्दी से पंकज तिवारी साहब, मेरा सवाल यह है कि आप कहेंगे कि इंतहा हो गए, मेरा सवाल यह है कि 40 की शहादत हो गई इसलिए इंतहा नहीं हो गई, जब जब ऐसी घटना हुई चाहे आपके रहते या फिर इस सरकार के रहते या किसी पार्टी की सत्ता मिली जुली पार्टी की सत्ता के रहते हुए,
इन घटनाओं के बाद सिर्फ निंदा और इंतहा का जिक्र क्यों होता है? कितनी ठोस नीति आपकी थी या इनकी है, और क्यों नहीं इस मसले पर कोई ठोस नीति सभी दल बना पाते हैं? अतुल जी, चूक हुई है इसीलिए घटना हुई है। अगर हमारी सरकार में हुई थी तब भी चूक हुई थी, आज इनकी सरकार में हुई, लेकिन आज हम चूक पर कोई बहस नहीं करेंगे, सरकार की गलती पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। आज हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कार्रवाई करे। वो मेरी सरकार में क्या गलती हुई थी, इनकी सरकार में क्या गलती हुई, आज विषय इसका नहीं है। आज विषय हुआ है कि भारत माँ के वो जो 40 लाल शहीद हुए हैं, इस शहादत को दोहराया न जाए, इसको सरकार को करने की जरूरत है। ये क्यों हुआ, कहां चूक हुई, ये सरकार का इंटरनल है, अपनी जांच करें, खुफिया एजेंसियों को तेज करें। लेकिन आज हम सब की तरफ से सरकार को और सेना सबको भरोसा है, जो भी वो कार्रवाई करेंगे उसमें हम लोग उनके साथ खड़े। ठीक है, आप उनके साथ खड़े। वीरेंद्र कुमार मौर्य साहब, आपका क्या कहना है? आप भी कहेंगे कि इस पर कोई राजनीति नहीं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि आज दुख का विषय है, और ये कायराना हरकत जिस तरह से की गई है उसकी पुनरावृत्ति न हो, और सरकार कहते हैं जो भी उचित कदम होते हैं ऐसे समय पर वो उठाए, और शहीदों को कहते हैं पूरा उनके परिवार को एक तरीके से पूरा संबल दिया जाए, और देश और हमारी पार्टी पूरे देश के शहीदों के साथ खड़ी है। ठीक है, सभी राजनीतिक दल एक साथ है और अच्छी बात है। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए तमाम पार्थिव शरीर इस वक्त हमारे जवानों के पहुंच चुके हैं, और वहां कंधा देकर उनको सेना के जवान हैं, सेना के लोग हैं, वो इस वक्त हवाई जहाज से विमान से उतारकर अलग जगह पर रख रहे हैं। वहां पर राजनीति से जुड़े लोग भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, काफिला उनका निकल चुका है, और सभी राजनीतिक दल जो शीर्ष नेता हैं वो भी शहादत के वक्त में अपने जवानों के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें और वाकई अपने आप में अगर इसको आप ढंग से देखिए समझिए तो फिर शब्द की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का दृश्य होता है और फिर जैसी भावनाएं निकलती हैं वो किसी को भी मार्मिक कर सकती हैं, मरमाहत कर सकती हैं। सुरेश बहादुर जी, मेरा सवाल है, और अच्छी बात है कि आज यहाँ पर सभी लोग जो राजनीति से जुड़े हैं वो मानते हैं कि चूक हुई है, लेकिन हम साथ खड़े हैं। मैं थोड़ी सी हिम्मत या कहिए हिमाकत कर रहा हूं ये सवाल पूछने के, कि फिर यही पार्टियां और राजनीति करते हुए जब चुनावी मंचों पर आती हैं तो इन्हीं मुद्दों पर क्यों एक दूसरे को घेरती हैं? आज ये संवेदना जाहिर कर रही है, अपने अपने सत्ता में रहते इनकी नीति क्यों नहीं मजबूत हो पाई, या फिर ठोस नीति सब मिलकर क्यों नहीं बना पाए? देखिए, यही एक दुर्भाग्य है अतुल जी। अब देखिए जो भी तस्वीरें दिख रही हैं, निश्चित दिल दहला देने वाली, और देश आहत है, देश भी चाहता है, सभी की भावना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, होनी भी चाहिए, लेकिन हमें ये भी आज के दिन ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान को सह देने हमारे हाथ कौन से है जो इसमें शामिल थे। आज हमारे ही यहाँ का एक लड़का था, हमारे देश का एक नागरिक था जो इस हमले में शामिल था, और हमले को पूरा अंजाम दिया। दोस्त, हमें अब उनको भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है, उनको भी देखने की जरूरत है कि आखिर उनको कैसे निकाला जाए, कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, और उनको उस विचारधारा से न जुड़ने दिया जाए जिस विचारधारा से जुड़ करके वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। इस पर भी एक गहन मंथन की जरूरत है, और ये इसका हल इसलिए नहीं होगा हम पाकिस्तान पर तुरंत हमला कर दे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे, तभी हमारी समस्या का हल हो जाएगी। हमें आज उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी देखना पड़ेगा जो उनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ उनको चिन्हित करना पड़ेगा बल्कि वो लोग जो कि ऐसी घटनाओं के बाद पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी नेता हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के जो कि चुनाव के वक्त में पाकिस्तान का गुणगान करने लगते हैं, या फिर कहते हैं कि मोदी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान भी ये चाहता है, तो उन लोगों पर भी सवाल होंगे। और आज वो शीर्ष नेता अलग अलग पार्टियों के अपने यहाँ के उन लोगों को भी चिन्हित कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो कि कभी कभार इस तरीके का जिक्र करके माहौल खराब करते हैं और मनोबल उनका बढ़ता है जो इसके काबिल नहीं है। महेंद्र साहब, यही सवाल, यहाँ सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान या कोई दूसरा देश हमारे लिए समस्या है, समस्या हम खुद हैं, हमारी राजनीतिक दल है, हमारे नेता है, हमारे यहाँ के संगठन है, और उसका फायदा उठा रहा है जिसका जिक्र सुरेश जी ने भी किया और आपने भी किया, वहां के कश्मीरी युवाओं का, उन गरीबों का, चाहे वो डराकर या प्रलोभन देकर। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अब एक मंच पर आने की बात हो रही, लगता है कि मामला इससे बहुत दूर तक जा पाएगा, या फिर शहादत हुई है तो कुछ तो कहना है, कहेंगे? नहीं, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है,
इस पर एकदम से सवाल उठेंगे और बाद में राजनीति भी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आज अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी भी आज एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और ये जब इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, सभी दलों से सलाह मशविरा करती है, अपनी बात उनको बताती है कि अब हम अगला कदम ये उठाने जा रहे हैं, उसमें सबसे राय एक सहमति बनाने की कोशिश करती है कि भाई हम ये करेंगे तो क्या रहेगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो उसमें सभी दल एकजुट होकर सरकार को, जैसे आज सभी ने कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और आज वो दृश्य दिख भी रहा है कि अभी एयरपोर्ट पर अगर आप देखें, राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं, कई सारे लोग और पार्टी के नेता भी पहुंचेंगे, आज बयान भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सवाल आपने उठाया कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग इस देश में रह के इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की बात के बजाय दूसरे देश की बात करते हैं, दूसरे देश की चिंता करते हैं, मतलब ये अब सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है कि आज मैं बड़ा आहत था इस घटना के बाद, कश्मीर के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। बिल्कुल, उन्होंने जो बयान दिया वो भी एक, मतलब आपको इस मौके पर ये बयान नहीं देना, राजनीति साफ दिख रही थी, राजनीति साफ दिख रही थी, मौके को भी भुना रहे हैं। हाँ, इस मौके को भी भुनाया भाई, आप कश्मीर का चुनाव जीतने के लिए अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी अगर इस तरह की बात कर रही हैं या फारूक अब्दुल्ला इस तरह की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा चिंताजनक है। अब यही लोग कल फिर एक मंच पे दिखाई देते हैं, फिर किस सरकार को हटाओ। देखो क्या है कि आप सब कुछ करो लेकिन देश की एकता अखंडता को लेकर आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। और मैं, मेरा ये मानना है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस हैं, दूसरे दल हैं, उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि भाई देखिए राजनीति एक अलग चीज है, आपस में आप बीजेपी कांग्रेस के बीच में खूब आरोप प्रत्यारोप लगे, चुनाव झगड़े जो भी हो होते रहे, लेकिन देश के मामले में एक कड़ा स्टैंड तो लेना चाहिए। आप देखिए एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां जाके आजादी की मांग होती है, और एमयू से भी एक छात्र ने लिखा कि हाउस द जैश, जोश का एक नारा था, आज उसने पूछा हाउस द जैश, तो मुकदमा भी हुआ। ये भी तमाम ऐसी चीजें, और फिर समर्थन भी उनका होता है। इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो केजरीवाल को प्रमाण चाहिए, कैप्टन साहब को भी प्रमाण चाहिए, वो जाकर दिखाते थे कि देखिए वहां तो सन्नाटा है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और कई बार बीजेपी के लोग भी उसको ऐसे वर्णित करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद जाकर कर दिया, सेना को आपने छोड़ दिया, सेना का काम था, सेना ने किया, सेना ने कर दिया, सेना करती। देखिए वही कह रहा हूं, ये सब चीजें क्या होती हैं कि जो सामने वाला है, जो दुश्मन है, उसको एक लाभ मिलता है, वो उसका फायदा उठाता है, वो उन्हीं सूत्रों के माध्यम से अपनी घुसपैठ करता है, फिर संपर्क करता है ऐसे नौजवानों से कि जो कि बेरोजगारी की वजह से हैं, या उनको इस तरीके से उकसाया जाता है, जो भी हो, धर्म के नाम पर उनको इस तरीके से उकसाया जाता है कि भाई आपके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। हालांकि ये सब चीजें एक अलग वो हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में अब हर पार्टी को सोचना होगा कि भाई जब देश, लेकिन सर समस्या तो यही है ना कि सोच तो हम इतने साल से रहे हैं, सोचते सोचते साल गुजर जाते हैं, समस्या और बढ़ी जा रही है, या फिर और ज्यादा चुनौती बढ़ती चली जा रही है। फाइनल कमेंट की तरफ आऊंगा, कर्नल टीपी त्यागी साहब, मेरा सवाल है, आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, अगर मैं ज्यादा आपको मौका दूंगा तो आप खुलकर सरकार या विपक्ष सब पर प्रहार करेंगे, मैं नहीं चाहता उन बातों का जिक्र करना, तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। यहां पर समस्या का निदान और जिस तरीके का संकेत अब प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है, विपक्ष भी कह रहा है कि हमारा जितना सहयोग हो सकता है हम राजनीति छोड़कर वहां साथ खड़े रहेंगे, क्या यहां पर कोई ऐसा ठोस कदम, और वो ठोस कदम क्या होगा जो कि कम से कम कुछ महीने नहीं बल्कि साल भर के लिए इस समस्या से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कारगर हो? सर, ये कहना कि हम साथ खड़े हैं ये सफिशिएंट नहीं है। इनको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम जो आतंकी हमारे एरिया में आएंगे उनको पनाह देने वाले लोगों की तरफदारी नहीं करेंगे, ये संकल्प है नंबर एक। नंबर टू, जैसे पाकिस्तान के पास बॉर्डर एक्शन टीम है, ऐसे हमें अपनी लीथल एक्शन टीम हर बटालियन के लेवल पे बनानी होगी, और ये लीथल एक्शन टीम को इजाजत देनी होगी कि ये बॉर्डर को क्रॉस करके एक्शन ले। और एक बड़ा काम सरकार कर सकती है, चीन में कभी आतंकवाद नहीं सुना होगा, कारण ये कि चीन ने अपनी उस सरहद के ऊपर जहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं है, अपने एक्स सर्विसमैन को जगह दे दी है, बसा दिया है। अगर हिंदुस्तान में भी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की सरहद पर
पूर्व सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया जाए तो 60,000 सैनिक भरी जवानी में सेवानिवृत्त होते हैं और अगर वो वहां के होंगे तो मजाल है कि कोई स्मगलर या कोई आतंकी घुस पाए। रिक्वायरमेंट हमको कैंपों को ध्वस्त करने से ज्यादा इस बात की है कि किसी आतंकी को हिंदुस्तान में पनाह ना मिल सके, हिंदुस्तान में पनाह ना मिल सके। और सर आज जो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये इस वजह से नहीं हो रहे कि देशभक्ति जागृत हो गई है, ये इस वजह से इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आज जो सरहद के ऊपर सिपाही तैनात है उसके उसको पता नहीं बेचारा कल को जिंदा रहेगा या नहीं, लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल है और उस मोबाइल से उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। लिहाजा अब इनको मालूम है। साहब आपकी बात से मैं सहमत हूं और बाकी लोग भी सहमत होंगे कि कई बार इस पर डर ऐसा है वोट का और भावनाओं की आड़ में संवेदना भी जाहिर की जाती है और ऐसे तमाम लोग अलग अलग सभी दलों में बैठे हुए हैं, सिर्फ डर उतना ही है। देश भावना कितनी है या फिर बाकी क्या है अंतर्मन में ये जग जाहिर है भले वो बोले ना बोले। मेजर साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, अब यहां पर ठोस कदम की बात आपने कही और आपने कहा कि कुछ नीतियां हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि आओ आज बैठकर अभी ऐलान कर दें जाकर जंग शुरू हो जाए, उससे किसका नुकसान होगा और समस्या नहीं निपटेगी। तो समस्या निपटाने के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल और देश के अंदर में भी एकजुटता दिखाई दे और फिर दबाव दिखाई दे तो क्या वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर तमाम संगठन और फिर कश्मीर के अंदर हमारे देश में अलगाववादी संगठन से लेकर वो बेरोजगार युवा या फिर तमाम ऐसे लोग जो कि भ्रमित हैं उन सबका एक हल निकल पाएगा, ऐसी कोई नीति है या इस समस्या अटल हो चुकी है? देखिए सबसे पहले तो अग्रेसिव होने की जरूरत है। जो हमारी जो नीति है, जो हमारी अप्रोच रहती है सरकार की, चाहे किसी की भी सरकार रही हो पिछले कई सालों में या अभी, हमारी जो नीति है वो अग्रेसिव होनी चाहिए। अग्रेसिव नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत है। इसमें एक छोटा एग्जाम्पल मैं अपना देना चाहूंगा। पूरी दुनिया में इकलौता इंसान हूं जिसने लश्कर ए तौबा के चीफ हाफिज सईद को खुल के चुनौती दी हुई है, उन्होंने मुझ पर फतवा दिया हुआ है। कई बार जो मेरे फौज के दौरान जो मुठभेड़े हुई उनके कई आतंकी मैंने मारे थे, सारी चीजें ओपन है। अग्रेसिव अप्रोच है एक अपनी, मैं तो कहीं प्रधानमंत्री है उस तरीके के आसपास में नहीं हूं, लेकिन अगर मैं अपनी एक व्यक्तिगत राय अग्रेसिव रख सकता हूं तो एक सरकार, एक महकमा, वो अपनी राय जो है, अपनी अप्रोच अग्रेसिव क्यों नहीं रख सकते? एक सरकार क्यों नहीं कर सकती है अगर एक अकेला व्यक्ति कर सकता है? बहुत बड़ी बात आप कहेंगे, मेरे सामने रुकूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। ऋतु बहुत जल्दी से, एग्रेसिव अप्रोच की बात होती है, आपसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, वहां पर आप में भी कमी दिखी है और ये सब महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम मर्यादा का ख्याल रखेंगे, हम कहेंगे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो आप भी करते रहे। आप भी कभी कहते थे कि दिल्ली वाले में दिक्कत है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं चूक हो गई, तो यही चूक तो पहले भी होती रही और आज भी हो रही है, वो अप्रोच में कमी क्यों हो गई? अखंडता और प्रभुता को बनाने के लिए हमें जो ये जिस तरह के ये लोग हमारे देश में भी इस तरह का काम करते हैं और इस चीज़ों को शह देते हैं, उन लोगों पर भी हमें थोड़ी सी लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों की वजह से आज ये दिन हमें देखने को मतलब वो है। सरकार पे तो ये दो बातें एक साथ नहीं होंगी ना, कभी आप उन्हीं लोगों के साथ सत्ता भी वहां पर चला नहीं, और क्या कहते हैं पाकिस्तान को भी बायकट तो करना चाहिए उनकी। वाकई मैंने कहा जो इन्होंने कहा कई लोगों ने कि उनकी चीजों को बंद कर देना चाहिए जो चीजें हमारे यहाँ से, तो इन चीजों को उनको बायकट करने के उनको छोटे छोटे तरीके से उन पे हमें एक्शन लेना चाहिए कि उनको इतना मोहताज बना देना चाहिए कि जिस तरह वो जो बना देना नहीं चाहिए, आप सरकार है, यही बात तो मेजर साहब कह रहे थे ना कि वो अकेले अगर चैलेंज दे सकते हैं ले सकते हैं तो सरकार के पास तो पूरा तंत्र है और आप तो बड़े चैलेंजिंग लोग हैं, आपसे तो उम्मीदें ज्यादा थी ना, और आप भी कह रही हैं ऐसा होना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूं, मैं रोक रहा हूं, बहुत जल्दी से पंकज तिवारी फाइनल कमेंट। सवाल इस बात का है कि आज आप कहते हैं हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है कि इसी बात पर राजनीति होती है। अगर यहां पर हम नमन करते हुए उन शहीदों को उनके परिवारों के साथ खड़े रह सकते हैं तो आप कल को किसी एक मंच पर खड़े होकर इस राजनीतिक प्रश्न को नहीं उठाएंगे या इसको राजनीतिक रंग नहीं देंगे, यह सोच आपके नेता या किसी पार्टी के नेता में क्यों नहीं आ पा रही? तिवारी साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? देखिए अच्छा हमसे सवाल है, आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जल्दी से सर। ऐसा कभी नहीं है अतुल जी,
देश के मुद्दे पर जब भी कोई बात आएगी तो मेरा मानना है कि देश का रहने वाला एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा रहता है, और कुछ ऐसे लोग जो होते हैं उनको चिन्हित करने की जरूरत है। इस सरकार को भी मौका मिला था, फिर वही है कि आज इस चीजों को नहीं समय है। तिवारी साहब, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूं। आज का इस सिद्धू साहब का बयान अगर आप सुन लेंगे तो चिन्हित करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाजवा साहब से गले मिलने की बात नहीं होगी। मेरा यही तो सवाल था कि चाहे वो आपकी पार्टी के नेता हो या फिर किसी भी पार्टी के, सत्ता में हो विपक्ष में हो, देखिए बोलते जो है वो दिखता नहीं है, और कम से कम ऐसी समस्या पर तब तकलीफ होती है ना, फिर वो पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो आप ही सवाल खड़े कर देंगे, प्रमाण दीजिए, फिर कहेंगे नहीं हम साथ खड़े हैं देश के मसले में, सैनिकों के मसले में, सरकार के मसले में, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बहुत जल्दी से वीरेंद्र कुमार मौर्य, छोटी सी टिप्पणी कर दी, बहुत छोटी सी है। सिद्धू ने क्या कहा, मोदी पाकिस्तान क्यों गए, आज इसका विषय नहीं है कि मोदी नवाज शरीफ के यहाँ क्यों चले गए थे, सिद्धू ने क्या क्या, आज इसी का विषय है। अगर आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसका मूल विषय यही है। अगर पहले ही ऐसा नहीं हुआ होता ना, तो आज ये विषय ही नहीं होता। बहरहाल मौर्य साहब, बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा। नहीं तो अतुल जी, आज इस विषय पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि आज इस विषय पे चर्चा हो। नहीं नहीं पंकज जी, चर्चा नहीं हो रही। आपने बुलाया, मैं आया हूँ, लेकिन मैं आज इस विषय पे चर्चा नहीं चाहता। मैं आपका सम्मान करता हूँ सर, कम से कम आपने बात कही तो, वरना कई कांग्रेस के प्रवक्ता अभी भी अलग अलग चैनलों पर बैठकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपने खुद के नेता की नहीं मान रहे हैं, वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, यही होता है। बहरहाल मौर्य साहब, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, हम लोग कहते हैं आज इस विषय को कहते हैं इसी तरह देख रहे हैं कि आज दुखद विषय है, और कहते हैं हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे देश की क्षति हुई है, और हम सारे लोग, सारे राजनीतिक दल मिल करके एक साथ अपने देश की एकता अखंडता के लिए खड़े हैं। जो गलतियां हुई हैं उस पर कहते हैं पुनर्विचार होना चाहिए और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे शहीदों, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इसी की जरूरत है। सुरेश बहादुर जी, बहुत संक्षेप में एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है, जब सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद उसका खुलासा हुआ तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर पोस्टर लगे थे कि नेताजी ने ही असल में मोदी जी को बताया था कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, यानी होड़ ऐसी मच गई थी क्रेडिट लेने की। और अब क्या यह मसला आने वाले समय में अगर कोई कदम उठता है तो क्रेडिट लेने वाले की बात ही होगी, वही एक मंशा होगी, या फिर अगर कोई कदम नहीं उठता है सरकार की तरफ से किसी भी वजह से, तो फिर चुनाव में भी यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा राजनीतिक पार्टियों के लिए। देखिए अतुल जी, बहुत अच्छी बात है कि सारे राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं और सब सरकार को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो कार्रवाई करेंगे हम उनके साथ होंगे, स्वागत किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूं आदरणीय मोदी जी पर बहुत बड़ा दबाव है। दबाव इस बात का है कि वह इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक महीने बाद अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा राजनीतिक दल मोदी जी का सवाल पैदा करेंगे कि आपके शासनकाल में 40 जवानों की हत्या कर दी गई, आपने क्या किया। ये बातें ऐसी हैं जो होगी जरूर, और मोदी जी को निश्चित रूप से उसमें सफाई देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं मान रहा हूँ मोदी जी पर दोहरा दबाव निश्चित, चलिए दोहरा दबाव है तो शायद उसमें कुछ ऐसा कदम भी। नंदलाल साहब, बहुत जल्दी से छोटा सा कमेंट, पूरी के बाद सबसे बड़ी घटना या फिर कहें कि दबाव और दाग भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिंह साहब कि प्रधानमंत्री मोदी पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है, क्योंकि विपक्ष ने पूरा समर्थन कर दिया है, देश साथ खड़ा है, क्योंकि अब चुनाव के लिए तो दिन ही कितने बचे हैं, गिनती के दिन बचे, 15-20 दिन बचे हैं। मेरे ख्याल से मार्च पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, तो विपक्ष तो छोड़ेगा नहीं इस मुद्दे को, मतलब सवाल उठाएगा कि भाई आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। और मेरे को लगता है कि आप इसको कुछ ना कुछ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और सरकार कुछ ना कुछ ठोस नीति, कम से कम कोई ठोस नीति के साथ जवाब देना, ये एक राजनीतिक रणनीति भी हो जाएगी मजबूरी वशी अगर कह ले। बहरहाल मैं रोक रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया। मेजर आशीष आपका, एसबी सिंह साहब आपका, वीरेंद्र कुमार जी आपका, पंकज जी आपका, ऋतु आपका, अजीत मिंदोला साहब आपका भी, और कर्नल टीपी त्यागी साहब आपका भी। तो मौजूदा परिस्थितियां सरकार के लिए दबाव की परिस्थिति, और हर एक सरकार अगर उसके रहते ऐसा कोई कदम होता है या ऐसी घटना होती है, और इतनी बड़ी घटना, तो स्वाभाविक है दबाव। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि वो चाहे किसी वजह से, सब कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। असल सच्चाई यही है कि समस्या की जड़ में राजनीति ही है। अब मौजूदा दौर में जिन लोगों का इस वक्त दौर चल रहा है या सरकार में है, उनका यह कहना है कि हम हर एक सख्त कदम उठाएंगे, क्या उठाएंगे उसके लिए इंतजार हम भी करेंगे। नमस्कार।